बिहार की दो सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान के विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। आपको बता दें चले, कुशेश्वर स्थान में स्थायी सीट कांग्रेस की है, लेकिन कुछ महीनों से कांग्रेस और राजद दोनों ही अच्छे से कैंपेन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बार चुनाव में कुशेश्वर स्थान से कौन लड़ेगा, कांग्रेस या राजद, गठबंधन के टेबल पर कौन जीतेगा, ये देखने की बात होगी। आपको बताते चले, पिछले दिनों डॉक्टर शकील अहमद दरभंगा के एक मशहूर कैंसर हॉस्पिटल के ओपनिंग में आए थे, तो वहाँ हमारे दरभंगा समाचार के रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस या राजद कौन लड़ेगा कुशेश्वर की सीट पर। कुशेश्वर में देखा जा रहा है कि 6 महीने से कांग्रेस भी कर रही है और राजद भी, सर दोनों अलग अलग कैंपेन कर रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब हम गठबंधन के टेबल पर बैठेंगे और बात करेंगे तो ये अगर फैसला होता है कि सबको अलग अलग लड़ना है तो सब अलग अलग लड़ेंगे, अगर एक फैसला होता है कि सब एक साथ लड़ेंगे तो कोई एक कैंडिडेट रहेगा। तो फिर सर गठबंधन तो आप पार्टी ओपन चांस देने जीतने का, एक बार बताते हैं, हमको अपनी अलग अलग पार्टी है, हम अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने का सबको अख्तियार है। अगर हमारे पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा कि हम एक साथ लड़ेंगे तो एक कैंडिडेट रहेगा, अगर हमारी पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा कि नहीं हम अलग अलग लड़ेंगे तो अलग अलग। कब तक आएगा सर फैसला, चुनाव का तो हो चुका है। अब पार्टी फैसला करेंगे, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, यहाँ के महासचिव हैं, वो फैसला करेंगे।